में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सवाई माधोपुर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के दो आरोपी सोनू पुत्र दुलीचंद और राजेंद्र पुत्र दुलीचंद निवासी शहर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने जान देते हुए पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन के बाद एडिशनल एसपी एवं पुलिस उपाधीक्षक के सुपरविजन में कोतवाली थाना अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जानलेवा हमला करने के दो आरोपी सोनू पुत्र दुलीचंद और राजेंद्र पुत्र दुलीचंद निवासी शहर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में उपयोग ली गई हॉकी और डंडा भी बरामद किया है। थानाधिकारी ने मामले की जानकारी बताया कि 24 अप्रैल 2024 को गोपाल जी के मंदिर के पास हटवाड़ा मंडी में ठेला लगाने की बात को लेकर आरोपी सोनू और राजेंद्र का सत्यनारायण माली से झगड़ा हो गया, जिसके चलते आरोपी सोनू और राजेंद्र ने हॉकी और डंडे से सत्यनारायण के सिर पर हमला कर दिया, जिसके कारण सत्यनारायण गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े के दौरान घायल हुए सत्यनारायण को लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार किया गया। वही घटना को लेकर सत्यनारायण माली की ओर से सोनू और राजेंद्र के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एक टीम गठित कर मामले की जाँच करी। वहीं कोतवाली थाना पुलिस को जांच में आरोपियों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने के बाद गठित टीम ने रविवार देर शाम जानलेवा हमला करने के दोनों आरोपी सोनू और राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि आज सोमवार को कोतवाली पुलिस की ओर से आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, जानलेवा हमले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या मामला था पूरा बताएंगे। ये अप्रैल 2024 को कोई सब्जी की ढकेल लगाते हैं, उन्होंने का आपस में विवाद हो गया, जिससे इन्होंने लक्ष्मी नारायण माली पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। इसमें 308 हेड की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, सोनू मावर और राजेंद्र मावर। बाद गिरफ्तारी आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।